हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अगर एक्सेल में या स्प्रेडशीट में कोई अगर आपके पास डेटा वैल्यू में है तो कैसे आप उसको हाईलाइट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह के जितने भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि डेटा जो है या तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू होती है या मिनिमम वैल्यू होती है। तो उस केस में हम ये चाहते हैं कि जो उसकी टॉप की वैल्यू और जो बॉटम की वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए, वो भी ऑटोमेटिक। तो कैसी होगी, चलिए इसको हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक डेटा बनाया हुआ है जहाँ आप देख रहे हैं कि एक कॉलम में मैंने रखा हुआ है यहाँ पर सेल्स पर्सन का नाम, दूसरा जो हमारा कॉलम है वो है सेल का, यानी कि टोटल सेल्स पर्सन है जिनकी यहाँ पर हमारे पास सेल है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो टॉप और जो बॉटम वाली वैल्यूज है उसको हमने हाईलाइट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस वैल्यू को भी आपको हाईलाइट करना है तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर यहाँ पर आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू रूल का। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप इस तरह से आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो इसमें जो यहाँ पर देखिए, बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। ऑप्शन देखने के बाद इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है उस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन है एक, फॉर्मेट ओनली टॉप या बॉटम रैंक्ड वैल्यूज़। तो थर्ड वाला ऑप्शन है, ये आपको यहाँ पर चूज करना है। तो उसके लिए आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर ये दिखेगा। तो यहाँ पर टॉप है और बॉटम है। तो टॉप में यानी कि अब ये देखिए, पहले हम इसको वैल्यू के हिसाब से समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा परसेंटेज के हिसाब से। तो अभी इसको हम वैल्यू के हिसाब से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर टॉप 10 की बात हो रही है, तो अब ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है टॉप 10। तो यहाँ पर आपको इसको किस कलर से हाईलाइट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ फॉर्मेट में आना है। जब आप फॉर्मेट में आएंगे तो यहाँ पर देखिए, फिर से एक पॉपअप ओपन हो जाएगा फॉर्मेट सेल्स का। तो इसमें आपको फिल वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर आप कोई भी कलर अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगता है वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो अभी मैं जैसे यहाँ पर येल्लो वाला मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए, ये मैंने अभी टॉप 10 हमने वहाँ रखा हुआ था, तो यानी कि जो टॉप की जो वैल्यू है वो देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो गई है ऑटोमेटिक। तो एक तो तरीका ये जो मैंने आपको बताया, टॉप इसने जो निकाले हैं 1 2 3 4 5 1, तो यहाँ पर 4 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ पर 10 आप अगर काउंट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10। अब वहाँ पर क्योंकि हमने वहाँ पर 10 रखा हुआ है तो इसलिए उसने 10 की यहाँ पर हमें रिजल्ट दिया है। अब हम मैनेज रूल में फिर से आएंगे एक बार, तो एडिट वाले सेक्शन में हम फिर यहाँ आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, टॉप 10 है, अगर आपको यहाँ पर 5 आपको रखना है आपको, तो यहाँ 5 आप टाइप करेंगे और ओके करेंगे। तो जब ओके करेंगे तो यहाँ देखिए, जो 5 की जो टॉप वैल्यू है वही आपको यहाँ पर हाईलाइट हुई है। लाइक अगर सबसे टॉप की हम बात करें तो यहाँ पर वानिया रस्तोगी है 96, देन उसके बाद यहाँ पर सनविका है। तो ये इस तरह से जो है, टोटल जो हमने यहाँ 5 रखा था उसका यहाँ पर रिजल्ट आ गया है। अब फिर से हम आते हैं मैनेज रूल के अंदर, तो यहाँ एडिट वाले सेक्शन में फिर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर चॉइस आपके ऊपर है कि आपको यहाँ पर कितना इसको दिखाना है। अगर फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहाँ पर टॉप 5 ऑलरेडी हमने ले चुके हैं, लॉप 15 अगर आपको यहाँ पर दिखाना है तो आप यहाँ ओके करेंगे। तो टोटल टॉप 15 की यहाँ पर वैल्यू आ गई है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको टॉप यहाँ से अगर आपको हाईलाइट करने हैं वैल्यूज तो उसको आप इस तरह से यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बॉटम की। तो बॉटम में भी सेम है बट थोड़ा अपोजिट है, क्योंकि वो टॉप की वैल्यू है और ये बॉटम की वैल्यू है। तो यहाँ पर टॉप 10 हम ले सॉरी बॉटम हम 10 ले लेते हैं यहाँ पर।
कलर यहाँ पर आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये वाला कलर ले लेते हैं। ओके ओके अप्लाई। तो ये देखिए टॉप टेन सॉरी जो टॉप बॉटम वाली जो वैल्यू थी वो यहाँ पर देखिए हाईलाइट हो गई है। तो 10 है जैसे पहले वाले में देखा था वहाँ पे क्या थी हम टॉप की ले रहे थे, यहाँ पर क्या है हम जो वैल्यू हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं यहाँ पर बॉटम की। तो मैनेज रूल में अगर आप आएंगे, अगर आपको कोई भी अगर यहाँ पर रूल अगर चेंज करना है तो आपको यहाँ पर मैनेज रूल में आके इसको आप यहाँ एडिट कर सकते हैं। तो टॉप 10 है सॉरी बॉटम 10 है तो यहाँ 5 रख सकते हैं आप। तो 5 रखेंगे तो ओके आप करेंगे तो देखिए टोटल 5 आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो इसी तरह अगर हम मैनेज रूल में फिर से अगर आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। टॉप 5 लेने हैं 10 लेने हैं, डेटा आपके पास जिस तरह से है उसके हिसाब से आप यहाँ पर इसको रख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब आपको यहाँ का परसेंटेज के हिसाब से रखना है। फॉर अगर हम टॉप की बात कर लें तो टॉप में अगर हमें यहाँ 5% रखनी है तो ये देखिए 5 पर क्लिक करेंगे हम, ओके करेंगे तो ये देखिए तो टॉप 5 यानी कि टोटल जो ओवरऑल जो 100% है उसमें से ये टोटल 5 में इसने ये टॉप निकाला है। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर फिर हम आएंगे मैनेज रूल में। तो मैनेज रूल में जब हम यहाँ पर आएंगे तो एडिट करेंगे, फिर यहाँ पर हम रख लेते हैं 10 यानी कि टोटल ओवरऑल का जो है 10% ही हमें उसका यहाँ पर हाईलाइट करके देगा। तो 10 में भी कोई यहाँ पर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं मोटिवेशन। तो यहाँ पर हम एडिट में अगर ले लें हम यहाँ पर लाइक 35%। ओके तो ये देखिए 35 ओवरऑल जो परसेंटेज है उसका 35% में इस तरह से आप इसको यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम आए मैनेज तो जो भी आपको एडिट करना है मैनेज रूल के थ्रू ही यहाँ पर करना है। अगर आपको यहाँ पर 50% करीब दिखाना है हाईलाइट करना है टॉप के अंदर तो ये इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपको 90 इसमें करना है तो आप यहाँ पर 90 के हिसाब से भी इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो 90 में हम यहाँ पर इसको करेंगे तो डिजिकल टोटल 2 रिकॉर्ड हैं जो इसके अंदर नहीं आए हैं। तो ये इस तरह से आप इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं हम एडिट टूल के अंदर, हमने टॉप का यहाँ मैंने बताया आपको, सेम बॉटम के लिए भी आप ऐसे कर सकते हैं। ओके तो अब जो सबसे लोअर है उसको यहाँ पर ये दिखाएगा एमेटो की। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं क्यों यहाँ नहीं हुआ। तो यहाँ हम एडिट वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर बॉटम हमें सेलेक्ट करना है। ओके ओके तो सबसे जो कम है उसको यहाँ पर इसने हाईलाइट किया है। और फिर आप यहाँ पर आएंगे तो जैसे हमने उस पर किया था तो यहाँ पर भी आप जो है यहाँ पर अगर आपको 25 दिखाना है तो ओके करेंगे तो ये आपको इस तरह से यहाँ पर टोटल ओवरऑल का जो आपको दिख रहे हैं टोटल ओवरऑल परसेंटेज का 25% इसने यहाँ पर हमें हाईलाइट करके दिया है। और एडिट टूल के अगर आप यहाँ पर आएंगे तो अगर आपको यहाँ पर 50% दिखाना है तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर एक तो ऑप्शन है थर्ड वाला ऑप्शन आपको देखना है जहाँ पर लिखा है कि फॉर्मेट ओनली टॉप या बॉटम रैंक्ड वैल्यूज। तो यहाँ पर एक तो नंबर के थ्रू कर सकते हैं, जब आपको नंबर में करना है तो इसको आप जो बाय डिफॉल्ट परसेंटेज में हो रखा है इसको आपको अनचेक कर देना है, क्लिक कर देना है तो हट जाएगा फिर ये वैल्यूज में हो जाएगा। अगर आपको विद परसेंटेज के साथ दिखाना है तो इसको आप यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको 2-3 एग्जांपल के थ्रू समझाया कि कैसे आप अगर कोई वैल्यू टॉप की है या बॉटम की है तो उसको आप कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ विद कलर के साथ उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो वैल्यूज के साथ भी आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं और परसेंटेज के साथ भी उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।